जय हिंद बुंदेलखंड न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं झांसी से कुछ मुख्य खबरों की ओर। नगर निगम के चुनाव आते ही मतदाता भी अपने अधिकारों के प्रति सक्रिय हो गए हैं। आज नगर निगम के वार्ड क्रमांक 50 के निवासियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर अवगत कराया कि उन्हें अपने वार्ड के प्रत्याशी को वोट डालने के लिए वार्ड नंबर 19 से वार्ड नंबर 19 के मतदान केंद्र पर जाना पड़ता है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि वार्ड नंबर 19 के मतदान केंद्र उनके वार्ड से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसके कारण महिलाओं और वृद्धों को मतदान करने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जबकि चुनाव आयोग के यह स्पष्ट निर्देश हैं कि मतदान केंद्र अधिकतम 1 किलोमीटर की परिधि के अंदर होना चाहिए। ज्ञापन में इस गड़बड़ी को तत्काल दूर करने और मतदान केंद्र वार्ड क्रमांक 50 में ही बनाए जाने की मांग की गई। अब तक क्या समस्या है, डीएम कार्यालय ज्ञापन दिया? डीएम साहब के यहाँ जो समस्या लेके आए थे, हम लोग वार्ड नंबर 50 के स्थायी निवासी हैं और हम लोगों का जो वोट जाता है पिछले नगर निगम में, तो वार्ड नंबर 19 बंगला घाट में वोट डालना पड़ा है। हमारे वार्ड नंबर 50 से और वार्ड नंबर 19 में कम से कम 2 से 3 किलोमीटर का दायरा है और चुनाव आयोग के अनुसार कम से कम 1 किलोमीटर की रेंज में ही अपना पोलिंग बूथ होना चाहिए। तो हम लोग कम से कम 700 से 800 वोटर्स हैं जिनको समस्या होती है वोट डालने में। तो डीएम साहब के ये ज्ञापन देने आए थे कि हम लोगों को वार्ड नंबर 50 में ही वार्ड नंबर 19 से काटकर वार्ड नंबर 50 में पुनः हम लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया जाए, ताकि हम लोग अपने वोटर से और वोट डालने के अधिकार से वंचित ना रहें।